और ने बताया कि पिछले काफी समय से उन्हें शिकायत मिल रही थी कि दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में डंप किया जा रहा है। शुक्रवार को उन्होंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन के सिंह और पार्षद राजीव शर्मा के साथ फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यहां पता चला कि दिल्ली का कूड़ा पास में ही डंप किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली का सैकड़ों टन कूड़ा गाजियाबाद के मोरता में डंप करने का भंडाफोड़ हुआ है। शुक्रवार को औचक निरीक्षण में महापौर सुनीता दयाल ने एमसीडी के 9 ट्रक पकड़े हैं। 3 ट्रकों को नंदग्राम थाने और 6 ट्रक पाइपलाइन पुलिस चौकी पर जब्त कराया गया है। मोरठा में गार्बेज फैक्ट्री का संचालन करने वाली जीरोन कंपनी के खिलाफ महापौर के निर्देश पर नंदग्राम थाने में तहरीर दी गई है। महापौर ने बताया कि पिछले काफी समय से उन्हें शिकायत मिल रही थी कि दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में डंप किया जा रहा है। शुक्रवार को उन्होंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन के सिंह और पार्षद राजीव शर्मा के साथ फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यहां पता चला कि दिल्ली का कूड़ा पास में ही डंप किया जा रहा है। राजनगर एक्सटेंशन में एमसीडी के 3 डंपर मोरठा कूड़ा ले जाते मिले। ग्रामीणों ने भी बताया कि रात के समय भी एमसीडी के ट्रक कूड़ा लेकर साइट पर आ रहे हैं। पाइपलाइन चौकी के पास मकरेड़ा के पास एमसीडी के 6 ट्रक मिले। पूछताछ में बताया गया कि ये सभी ट्रक कूड़ा डालकर लौट रहे हैं। महापौर ने ट्रकों के साथ नंदग्राम थाने पहुंची। उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरा, कहा कि केजरीवाल दिल्ली का गाजीपुर मोरठा को बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे, दिल्ली का कूड़ा वापस जाएगा। कूड़ा निस्तारण के नाम पर हो रहे करोड़ों के इस खेल की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी। कंपनी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी वसूली जाएगी। कंपनी का अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने बताया कि फैक्ट्री पर रखे रजिस्टर को चेक किया गया तो पाया गया कि दिल्ली से लाने वाले कूड़े की तुलाई साइट पर कराई जाती थी और इस कूड़े के निस्तारण का बिल नगर निगम के खाते में भेजा जाता था। कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही थी। खास बात ये कि निगम के अधिकारियों ने भी इसे नजरअंदाज किया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एन के सिंह ने बताया कि कंपनी के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जीवाड़ा करना पाया गया है। थाने में तहरीर दी गई है। कूड़े के निस्तारण के नाम पर हर महीने नगर निगम निजी कंपनी को 1 से 1.5 करोड़ रुपए दे रहा है। बावजूद इसके शहर का कूड़ा निस्तारित होने की बजाय डंप किया जा रहा है। पार्षद राजीव शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कूड़े में बड़ा खेल किया जा रहा है। पूर्व पार्षद मनोज चौधरी ने बताया कि 6 महीने पहले सदन में गाड़ियों के वीडियो और फोटो दिए थे। कैसे दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में डाला जा रहा है इसके प्रमाण दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। निगम में कूड़े के निस्तारण के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई गई तो कई अधिकारी जांच में फंस सकते हैं। पहले कूड़ा निस्तारण में 17 से 22 करोड़ रुपए खर्च होता था, अब करीब 45 से 50 करोड़ खर्च हो रहा है। डिप्टी सीएम बोले, ये काम जारी रहा तो दिल्ली सरकार के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है, गाजियाबाद में कूड़ा डंप कर रहे दिल्ली नगर निगम के ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। भविष्य में भी अगर ये काम जारी रहा तो हम दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी को भी कूड़ा फैलाने का अधिकार नहीं है।